हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल गेमर्स, दिस इज मैक फ्रॉम आरजी ऑफिशियल और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भुया टिप्स के बारे में कि कैसे आप लोग रैंक गेम में क्या करेक्टर एबिलिटीज और क्या स्ट्रैटेजी यूज करके भुया ले सकते हैं और आप लोग भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टिल 4th अप्रैल, जिसमें आप लोग जो भी टॉप फर्स्ट होंगे उसको हमारे साथ 3000 डायमंड्स देखने को मिलेंगे, टॉप 5 को 1000 डायमंड्स एंड टॉप 10 को 500 डायमंड्स रिवॉर्ड। मैं किस तरह से भुया करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ और क्या एबिलिटीज यूज करता हूँ, चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट एनी डिले। आपस में लड़ रही है दो टीमें, आओ ऊपर चढ़ के मारते हैं। ओ रेड डॉट्स, क्या बात है यार। सो गाइस, ये रिसेंटली एक वीडियो जो कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में खेल रहा था अपने चैनल पे और उसमें मैंने भुया किया था, तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है और किस तरह से मैंने खेला आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। करेक्टर एबिलिटी की बात करूँ तो मैं के करेक्टर बहुत पसंद करता हूँ रैंक में, क्योंकि वो आपको जो ईपी होती है उसको एचपी में कन्वर्ट करता है, तो बहुत फायदा होता है जब आप फाइट कर रहे हो तो या जोन से मूव ऑन कर रहे हो तो, क्योंकि रैंक में आपको सर्वाइव काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, आप रोटेशंस लेके मूव करके स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे होते हो। तो यहाँ तक मैं 4 किल्स कर चुका था अपनी टीम के साथ और टीम कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती है। उसके अलावा मैं कैलीमैक्स यूज़ करता हूँ, मैक्सिम यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपनी मेडकिट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी या कोई भी जो इनहेलिंग आइटम्स हैं वो मैं जल्दी से कर सकूँ। बाकी अगर बात करूँ तो मैं शॉर्ट रेंज में खेलना काफ़ी पसंद करता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि मैं शॉर्ट रेंज में खेलूँ और मैं अपनी टीम में हमेशा शॉर्ट रेंज का प्ले कर रहा होता हूँ। और इसमें भी मैं जो हूँ ज़्यादा रश किया, अटैक किया, यहाँ तक 5 किल्स हो चुके थे और आप देख रहे हैं जोन के रोटेशन के साथ कि जिस तरह से मेरी टीम साथ साथ रोटेशन ले रही होती है उस तरह से उनको आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब मैं उनको बता रहा हूँ कि कहाँ पे प्लेयर्स हैं, किधर से आए, किधर से कवर चाहिए। चलो आप जाओ, आप जाओ। और यहाँ पे नेट्स किए, फाइनली एक और किल मिल चुका है, यहाँ तक मेरे पास 6 किल्स हो चुके थे और यहाँ पर भी एक ऐसा मोमेंट आएगा कि मेरी पूरी टीम मर जाएगी, उसके बावजूद भी मैं भुया निकालता हूँ। और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये गेम और स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप लोग बताएं, मेरी स्किल्स कैसी लगी और गेम कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगेन 3 प्लेयर्स नीचे की टावर में, 2 डाउन जो कि 2 ऊपर है। और एक और चीज़ रैंक भुया के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि भुया टिप्स है, आप लोगों की टीम कोऑर्डिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस तरह से आप लोग अपनी टीम के प्लेयर्स को गाइड कर रहे हो साथ साथ के क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या अभी क्या चल रहा है, कौन किधर है और कितने किल्स मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल सकते। यहाँ तक अगर बात की जाए तो मेरी पूरी टीम मर चुकी थी और मैं अकेला ही यहाँ पे जो खेल रहा था। 8 किल्स मेरे यहाँ तक हो चुके थे, ये 9th किल। और अभी ये बहुत मज़े की चीज़ है कि यहाँ पर आप नेट करें, अब आगे से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, नीचे से भी प्लेयर्स, तो पहले ही ग्लूवा लगा के मैंने अपने कवर कर लिया कि जब मैं नीचे गिरूँ फॉल डैमेज करते हैं तो थोड़ा सा होता है। यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा और एक और किल शॉट में मिलेगा। 1v4 से अब 1v1 रह चुका है मेरे साथ और एक और अच्छी स्ट्रैटेजी थी, इसने नेट बहुत अच्छे थ्रो किया। लास्ट प्लेयर पे रश करते हुए ये फ्रीजिंग बम फेंका और ये इसको डैमेज पड़ ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है। और ये आरजी ऑफिशियल का दिल था वंस अगेन अ बूम बूम बुया बुया बुया। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और टिप्स भी मैंने आप लोगों को साथ साथ गाइड कर दिए कि क्या करेक्टर एबिलिटीज़ मैं यूज़ करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी होती है, रोल 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रोल आपका रोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, करेक्टर स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं और ये जो स्किल्स हैं क्योंकि बेसिकली मैं टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करा रहता हूँ तो मैं आप लोगों को बता, ई स्पोर्ट्स में जब आप अगर बात करें तो वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है, उसके मुताबिक आपने अपनी एबिलिटीज़ लगानी है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आरजी ऑफिशियल। दिस इज मैक्स साइनिंग आउट। अल्लाह।